तो गाइस एक एक्शन मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है रन ऑल नाइट। इसकी लेंथ 1 घंटा 58 मिनट की है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें एक पिता को दिखाया गया है जिसके बेटे के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उसके बेटे को जान से मारना चाहते हैं। और जो गुंडों का जो सरदार है, मतलब जो मेन गुंडा है, वह उसका पिता का दोस्त हुआ करता था। तो ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हो गया कि वह दोनों दुश्मन बन गए, एंड वह जो मेन गुंडा है उसके बेटे का जान क्यों लेना चाहता है, मतलब माजरा क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। और क्या उसका पिता अपने बेटे की रक्षा कर पाता है या नहीं कर पाता है, इन बीच उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं से वह कैसे डील करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस फिल्म एक नंबर है, देखने में बहुत ही मज़ेदार है। यदि आपको एक्शन मूवी देखना है तो ये मूवी देखिए। इसमें इतना इंटेंस लेवल का एक्शन दिखाया गया है, कुछ कुछ मूवमेंट में आपका ना दिल को ना मतलब आपका सांस मतलब रुक जाएगा और दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, इतना इंटेंस लेवल का एक्शन दिखाया गया है। कुछ कुछ मूवमेंट में ऐसा ऐसा एक्शन आता है और एक्शन का कोरियोग्राफ भी अच्छा से किया गया है, जिसे देखकर मज़ा आता है। और जिस तरह से फिल्म को सेटअप किया गया है, जिस तरह से इसका प्रोडक्शन क्वालिटी है, वह देखने में मज़ा आता है। फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है, तो मेकर्स ने बहुत ही अच्छे तरह से फिल्म को एग्जीक्यूट किया है। आप एंटरटेन होते हैं, जरा से भी बोर नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा सा आपको लेंथ फील होगा, पर ओवरऑल फिल्म आपको एंटरटेन करती है और मज़ा देती है। एक्टिंग की बात करें तो जी हाँ, सभी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट फील करते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है, बहुत ही ओपी दिखाया गया है। एक ही रात में कहानी खत्म हो जाता है, बस एक रात का खेल है इसमें, बस इतना ही दिखाया गया है। पर वह जो रात है वह बहुत ही भारी है, बहुत ही मजा आता है। अब जब फिल्म को देखेंगे तो आप बहुत ही एंटरटेन होंगे, खासकर उसका एक्शन को बहुत ही अच्छे तरह से दिखाया गया है, कुछ कुछ बहुत ही इंटेंस मूवमेंट इसमें दिखाया गया है। हिंदी डबिंग की बात करें तो जी हाँ, इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है तथा इंटेंस लेवल का फिल्म देखना पसंद है जो आपको ओवरऑल एंटरटेन करे, तो जी हाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को देखिए, आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर देती है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। और हाँ, आप चाहे तो इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।